सब्सक्राइब कीजिए एफके गुरु चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। सब्सक्राइबर ने पूछा था कि बकरी को क्या क्या यानी कौन सा पेड़ का पत्ता हम खिला सकते हैं, बकरी हो या बकरा, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले आम हो गया, जामुन हो गया, आपको लीची हो गया, गुल्लर हो गया, बकरी हो गया, बर हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, ये सब पेड़ का पत्ता आप अपने बकरी या बकरा को खिला सकते हैं। उसके बाद से अगर कटहल है तो कटहल तो बहुत वो लोग चाव से खाता है, बहुत यानी अट्रेक्टिव होता है कटहल के पेड़ के पत्ता पे या गुल्लर हो गया, ये दो पेड़ का पत्ता बहुत ही शौक से वो लोग खाते हैं, यानी कि लगभग कोई भी बकरा बकरी भी किसी स्टेट का हो बहुत ही शौक से उसको खाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपको बांस हो गया, सिंबल हो गया, इसके पत्ता वो खाते हैं, वो बहुत ही कम चाव से खाते हैं। मगर आपको मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि जिस स्टेट का आदमी होगा यानी जिस स्टेट यानी जो भी राज्य का आदमी होगा उस एरिया के हिसाब से वहाँ का बकरा बकरी पत्ता खाती है। कुछ जो पेड़ के पत्ते होते हैं हर तरह की बकरियाँ खाती हैं, मगर कुछ जो पेड़ का पत्ता होता है जो वो नहीं खा पाएंगी। अगर हम दूसरे स्टेट से लेके आ रहे हैं दूसरे स्टेट में का पत्ता दे रहे हैं तो नहीं खाएंगे पेड़ का पत्ता, क्योंकि वो उनको वो चीज़ कभी मिला नहीं है, और जो चीज़ उनको मिला नहीं है चीज़ जल्दी खाएंगे नहीं। जैसे सर समझ लीजिए आदमी अगर केरला का खाना है अगर बिहार का एक आदमी को दिया जाए तो बहुत कम चाव से खाएंगे, उस पर चाव नहीं करते हैं। केरला वाला को अगर बिहार का खाना दिया जाए तो बहुत यानी खाएंगे, मगर वो जो एक होना चाहिए खाने का अट्रैक्ट वो नहीं होगा। अगर बिहार के बिहार खाना दिया जाए, केरला वाला को केरला का खाना दिया जाए तो बहुत ही शौक से वो खाना खाएंगे। सेम उसी तरह बकरा बकरी है, बहुत सारे बकरा बकरी है जो जंगल एरिया में पाली जाती है, पहाड़ी एरिया में पाली जाती है, तो वहाँ का पहाड़ी पत्ता जो होता है पहाड़ का में जो पहाड़ी एरिया में जो पेड़ का पत्ता होता है उसको खाती है, जंगली एरिया में जो जंगल में जो होता है पत्ता वो खाती है। तो उनको आम जामुन और लीची ये सब पत्ता उनको तो मिलता नहीं जल्दी, तो वो पत्ता खाकर जी सकते हैं। जिसको ये पत्ता आम जामुन लीची बरगद गुल्लर का पत्ता मिला है तो वो पत्ता उनको खाने में दिक्कत होगा, मगर कुछ चीज का पत्ता है जो कि हर जगह की बकरियां उसको खाती है शौक से। और अगर आप बकरी फार्म करना चाह रहे हैं तो आप पत्ता खिला के आप बकरी फार्म नहीं चला सकते हैं, कितना आप उसको पत्ता खिला सकते हैं, आप उसके लिए आपको कहें कि घास का खेती थोड़ा जमीन में आप कीजिए और ऐसे ऐसे घास है जो कि 1 साल 2 साल 5-5 साल तक आप उसको काट के खिला सकते हैं, और वो एक एक घास ऐसा है कि जो हर 1 महीना पे आपको तैयार हो जाएगा, लगभग 1 से 2 फुट का वो घास हो जाएगा, आप उसको काट के खिला सकते हैं और उसमें आपको खर्च भी कम आएगा और मेहनत भी कम है। पत्ता के लिए मेहनत भी ज्यादा होगा, पत्ता उतना मिलेगा नहीं, उससे बकरी फार्म आप नहीं चला सकते हैं। और हाँ अगर एक या दो है तो फिर दिक्कत नहीं हो तो फिर पूछने की जरूरत भी नहीं कौन सा पत्ता खिलाए नहीं खिलाए, जो पत्ता उसको सामने आ रहा हो खाएगी वो सब आप उसको दे सकते हैं। ये सब मैं आपको पहले बता दूं कि पत्ता आप अगर पत्ता के चक्कर में है कि ये पत्ता खिला के मैं बकरी फार्म कर लूं या तो उससे बकरी फार्म आप नहीं कर सकते हैं। तो ये सब बकरी को आप भूसा भी खिला सकते हैं और साइलेज के वीडियो में इसके बाद साइलेज के वीडियो आएगी उसके लिए भी मैं हमारे 2-3 सब्सक्राइबर ने पूछा साइलेज कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैं इसके बारे में बाद जो वीडियो आएगा साइलेज के बारे में आएगा, क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर जो पूछते हैं उसको पहले हम उस वीडियो को चाहते हैं पहले बनाना, थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, थोड़ा ज़्यादा गैप भी हो जाता है कभी वीडियो बनाने में कि और भी काम है, मगर ये जो पत्ता है आप इसको नॉर्मल सर बकरिया ये पत्ता जो है खाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और मैं एक बात और आपको बता दूं, जो ये जितने पेड़ का मैं नाम लिया है इसका मैं इंग्लिश में लिख के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इंग्लिश में पढ़कर समझ सकते हैं इसका कौन सा पेड़ है। मान लीजिए मैं गुल्लर या जामुन कहीं उसके का नाम आपके स्टेट में कुछ अलग होगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं उसको इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन में नाम लिखकर डाल दूंगा, आप उसको पढ़कर समझ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।